Hello friends, I am Atul Gupta and I welcome you all on behalf of Brit US Spoken English Nasik. Today we are going to study the very important topic, that is prepositions. Preposition ka matlab hota hai ki it is made by two words, pre plus position, aur ye noun aur baki ke sentence ki relation ko batane ke kaam aata hai. तो प्रीपोजिशन में सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग कुछ उसमें काइंड्स हैं प्रीपोजिशन के, वो पढ़ने वाले हैं. तो प्रीपोजिशन के काइंड्स हैं, सबसे पहला है सिंपल प्रीपोजिशन. जैसे सिंपल प्रीपोजिशन में आता है एट, ऑन, इन, ऑफ, बाय, फॉर, विद, आफ्टर, अंडर, एक्सेट्रा. तो ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड आपको सिंगल सिंगल वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये सिंपल प्रीपोजिशंस हैं. ये सिंपल प्रीपोजिशंस हैं. उसके बाद हमने देखा कि डबल प्रीपोजिशंस भी कुछ होते हैं. तो इसमें जैसे इनटू, ये दो वर्ड्स को मिलकर एक वर्ड बनाया गया. फ्रॉम अमंग, तो दो वर्ड्स को मिलकर बनाया गया. फ्रॉम विद इन, ओवर अगेंस्ट, तो ये सारे डबल प्रीपोजिशंस हैं जो कि हमें कुछ वर्ड्स को मिलकर बनाते हैं. इनके कुछ अलग मीनिंग्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे. कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये तीसरा प्रकार है इसका. इसमें अक्रॉस, अबाउट, मतलब इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस. जैसे मैं नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाता हूँ, तो वो इसलिए इट इज़ द कंपाउंड प्रीपोजिशन. बीनीथ, बिटवीन, अबव, ये सब रिलेशंस के लिए बताते हैं. देन फ्रेज प्रीपोजिशंस, जैसे अकॉर्डिंग टू, ऑन बिहाफ ऑफ, बिकॉज ऑफ, बाय रीजन ऑफ, ये सब चीज़ें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में बात करें. जैसे अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ वेरी गुड पर्सन, तो ये मेरे अनुसार, ऐसा हम इसे यूज़ करते हैं. पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, जैसे कंसिडरिंग, रिस्पेक्टिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं कोई बात को स्टार्ट करने के लिए. जैसे कंसिडरिंग दिस फैक्ट, आई एम डूइंग दिस थिंग्स. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रीपोजिशंस के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सिंपल प्रीपोजिशन. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल प्रीपोजिशंस टुडे. अब जैसे मैं अगर किसी जगह के बारे में बात करूं, मैं अगर आज बात करूं कि ये जगह है, तो मैं एक फ्लोर के ऊपर खड़ा हूं, मैं इस फ्लोर के ऊपर खड़ा हूं, तो मैंने बताया कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर. तो हम सिंपल प्रीपोजिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर मैंने बताया आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर. तो ये जो ऑन है, दिस ऑन इज द प्रीपोजिशन टू बी यूज्ड. ये ऑन प्रीपोजिशन को हम यहां पे यूज कर रहे हैं इसका, क्योंकि ये स्थिति बता रहा है. इट इज टेलिंग द प्लेस, वो स्थिति के बारे में बात कर रहा है. तो इट इज दैट ऑन. उसके बाद हमने एक जैसे यूज किया, शी इज सिटिंग इन द रूम, तो वो रूम के अंदर बैठी है. तो उसकी स्थिति बता रहे हैं हम कि उसका रिलेशन क्या है. यहां पर रूम के अंदर बैठी है, तो स्थिति इज रूम. इसके अलावा मैंने बताया कि ही इज गोइंग बाय बस, तो वो बस से जा रहा है. तो बाय इज द प्रीपोजिशन ओवर हेयर, तो ही इज गोइंग बाय बस. ठीक है, वी आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री. तो ये जो अंडर है, ये अंडर बता रहा है हमारी स्थिति कि हम ट्री के नीचे खड़े हैं. तो जो भी हमें स्थिति बताने वाले वर्ड्स हैं, ऑन, इन, बाय, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं. अब मैंने आपको बताया कि दे आर गोइंग विद देयर ब्रदर्स, वो अपने अपने भाइयों के साथ जा रहे हैं. तो यहाँ पे विद बताया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि खाली एक प्रीपोजिशन का एक ही मीनिंग होगा, हम इसमें और कुछ भी डाल सकते हैं. जैसे अगर मैं ऑन को ही थोड़ा सा और डिफाइन करने की बात करूँ, तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको मिल लूँगा, आई विल मीट यू ऑन संडे. तो जब हम डे के बारे में बात करें, किसी भी दिन के बारे में, तो भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं. तो पहला मीनिंग हमने बोला पा, पे, तो ये पे मतलब मैं फ्लोर पे खड़ा हूँ, मैं चेयर पे बैठा हूँ, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. लेकिन यहाँ पे आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपको संडे को मिलूँगा, तो कोई भी दिन के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं.
इसके अलावा हमने एक और वर्ड यूज किया, जैसे मोहन विल कम ऑन 7th जून। तो मोहन कब आएगा? वो 7th जून को आएगा। इसका मतलब क्या है? हम डेट के लिए भी ऑन का यूज कर रहे हैं। जब भी हम तारीख बताते हैं तो भी ऑन का यूज करते हैं। तो डेट के लिए, डे के लिए, पे, ऐसे यूज आर देयर। तो मेनी ऑफ द यूजेज आर देयर ऑफ सिंगल प्रीपोजिशन इज देयर। तो हम अगले अगले वीडियोस में आपको ये सारी चीजें बताएंगे कि हम कैसे और चीजों को भी यूज करते हैं। तो आज सिंपल प्रीपोजिशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू टेक, ठीक है? जैसे मैंने बताया, कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। तो ये आफ्टर प्रीपोजिशन है। आफ्टर इज द प्रीपोजिशन हेयर, कि कैट उसके पीछे भाग रही है, ठीक है? तो कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, इट इज दिस। आप मेरे साथ इस चीज को रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन में, आपके बोलने में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑलवेज एंड ऑलवेज टू डू, ठीक है? शी इज वर्किंग फॉर मनी, वो पैसे के लिए काम कर रही है। तो यहां पर फॉर का मीनिंग हमने लिया के लिए, दैट इज फॉर का मीनिंग लिया, और ये भी एक प्रीपोजिशन है, ठीक है? आई गो टू ऑफिस एट 10 AM। तो एट हमें समय बताने के लिए काम में आता है। एट जब भी हम बताते हैं तो हम समय बताने के लिए एट को यूज करते हैं। और एट का दूसरा भी प्रयोग है कि जब हम कभी भी किसी छोटी जगह या किसी भी एरिया के बारे में या किसी तालुका प्लेस के बारे में बताते हैं या किसी विलेज के बारे में बताते हैं तो हम एट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि माय ऑफिस इज एट अशोक स्तंभ, तो ये अशोक स्तंभ इज ए एरिया, इट इज एन एरिया। तो एरिया का नाम बताने के लिए मैंने एट को यूज किया क्योंकि वो एरिया का नाम है। लेकिन अगर मैंने इसे और आगे बढ़ाया और मैंने बोला इन नासिक, तो अशोक स्तंभ इज द एरिया एंड नासिक इज अ बिग सिटी, नासिक एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, तो हम इसके लिए इन लगाएंगे। तो वेन एवर वी आर हैविंग द कंपैरिजन कि आपको कोई छोटी जगह और बड़ी जगह दी हुई है तो आप छोटी जगह के लिए एट लगाते हैं और बड़ी जगह के लिए इन लगाते हैं, ठीक है? छोटी जगह के लिए वी आर यूजिंग एट एंड बड़ी जगह के लिए वी आर यूजिंग इन। तो इट इज दैट वी आर यूजिंग दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब जैसे हम कभी भी, मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स अगर मैं बोलूं कि डबल प्रीपोजिशन के हैं तो वो वी आर गोइंग टू हैव इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन एक चीज बता देता हूं, जैसे हमें कभी अगर ये बोलते हैं इन की, जैसे हमने बात की और इन टू की बात की, इसका मतलब भी के अंदर है। तो अगर हम कहीं पे एंटर कर दे, जैसे मैं ये मार्कर को जेब के अंदर रख रहा हूं, आई एम कीपिंग द मार्कर इन टू द पॉकेट, जब तक ये मोशन में है, और ये मोशन खत्म हो गई तो ये इन हो गया। अब द मार्कर इज इन माय पॉकेट, तो यहां पे इन है, लेकिन जब तक ये गति में है तो इन टू इन टू इन टू इन टू इन टू, अब ये इन हो गया। तो ये बहुत सारे प्रीपोजिशन के फर्क हैं, एक प्रीपोजिशन का दूसरे प्रीपोजिशन से कनेक्शन, उसमें डिफरेंसेस, वो सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट अराउंड 8 वीडियोस ऑफ प्रीपोजिशन। हम कम से कम 8 वीडियोस नेक्स्ट प्रीपोजिशन के डालने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत सारी चीजें उसमें सीख जाएं। एंड एट द लेवल ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो हम ये प्रीपोजिशन को आपको देने वाले हैं। थैंक यू।